एससीएसटी वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान का असर सूरजपुर में भी देखने को मिला, जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पूर्ण बंद रूप से बंद रहा। वहीं एससीएसटी वर्ग के विभिन्न संगठनों के लोगों ने रैली निकाल कर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे। साथ ही लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को लेकर जो निर्देश दिए गए उसे वापस लेने की मांग करने की बात की। वहीं एससीएसटी संगठन के लोगों ने रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी न होने पर आगे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की बात भी कही। आज का बंद का मुख्य मांग है कि आरक्षण का जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आज पूरे देश में जो है एसटीएससी के अन्य संगठन के लोग रोड पे उतरे हैं कि आरक्षण का जो व्यवस्था पहले से था वो व्यवस्था लागू रहे, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए, इसके लिए हम लोग जो है आज रोड पे आए हैं। हमारी मांग जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के प्रति एक आदेश जारी किया है क्रीमी लेयर, तो आदिवासियों के हित में बिल्कुल नहीं है। वो आदिवासियों को जात वर्गीकरण इसमें विभिन्न जातियों का वर्गीकरण हो जाएगा, आदिवासी जो एक समूह है वो धीरे धीरे वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको वापस लिया जाए।